गुड मॉर्निंग गाइस, मैं और मम्मी आज जा रहे हैं मैरिज में। मम्मी के ऑफिस में कलीग है संगीता जी, उनके ब्रदर की मैरिज है। और जो उनके घर है वो हमारी बुआ जी के घर के पास है। हमारे बुआ जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे फूफा जी है, तो हम उनको भी आते टाइम मिल कर कहेंगे, उनका हाल चाल कुशल मंगल जान कर कहेंगे। तो मम्मी यहाँ पे शॉप पे गए हैं, मम्मी कहते हैं उनके लिए कुछ ले लेते हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मम्मी के ऑफिस से भी लोग आ रहे हैं, मम्मी ने छुट्टी की हुई है तो मम्मी के ऑफिस से भी आ रहे हैं डिपार्टमेंट वाले सभी। तो मम्मी कहते हैं उनके साथ ही जाना, मैंने उनके साथ थोड़ी सी बातें हुई है। और अभी मम्मी काफ़ी दिन से छुट्टियों पे है ना, तो मम्मी कहते हैं कि उनसे बातचीत नहीं हुई, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो उनके साथ हम लोग जाएंगे। कैसे हो? ठीक है। मम्मी आज बहुत खुश है क्योंकि मम्मी अपने ऑफिस डिपार्टमेंट वालों से मिलने वाले हैं काफ़ी दिन के बाद, और मैरिज में जा रहे हैं, और फूफर जी से मिलेंगे। तो उनसे मिल के मम्मी कहते हैं कि थोड़ी देर उनके पास बैठ के आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनके घर पे नहीं गए ना तो फिर वो फ़ोन करके बोलेंगे कि आप पास में आके चले गए और मेरे पास नहीं आ गए। और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए फूफर जी के पास गए हुए ना मम्मी, और मन लग जाएगा। पहले जाते टाइम उनको मिल लेते, फिर वापसी में फिर आएंगे ना। अगर टाइम हुआ तो 10 मिनट बैठ लेंगे वापसी में भी, नहीं तो अभी मिल लेंगे ना। कुछ बुखार खंग कुछ नहीं, सिर्फ गोडे अड़ गए। गुड इवनिंग गाइस, सुबह से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल हम लोग मैरिज में गए थे, वहाँ पे हम लोग अपने फूफा जी से मिल गए। फूफा जी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए और कह रहे कि मैं सुबह से गाने गा रहा था, तो उन्होंने हमें वो गाना गा के सुनाया। कौन सा था मेरे को भी याद नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है मैंने वीडियो में थोड़ा सा शूट किया हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिलके। थोड़ी देर बैठे हम लोग क्योंकि घर पे मिस्त्री लगे हुए थे तो टाइम कम था, लेकिन जितना टाइम भी हम उनके साथ रहे ना बहुत अच्छा लगा। और बहुत खुशी है, कहते मैरिज में मैं काफ़ी दिन पहले आ जाऊँगा तो यहाँ पर काफ़ी रौनक मिलने लगेगा। और ना घर पर बहुत सारा काम चल रहा है, पूरा दिन मैं इतना परेशान रहा ना आज, मतलब कि कभी उधर कभी उधर, और घर पर इतना सारा कचरा। एक बार आपको सारा डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पे दो चैम्बर बने, एक जो सेप्टिक टैंक का है और जो वेस्ट वाटर का, वो एक चैम्बर पर साइड बना, तीन चैम्बर यहाँ बने। और अभी पानी की पाइप की फिटिंग अभी होनी है। ये इस साइड से हमारे मोटर का कनेक्शन ऊपर जाएगा टंकी तक, तो यहाँ से पाइप जाएगी वहाँ और वहाँ से वहाँ मोटर तक। तो ये सारा काम हुआ, ये वाला हुआ। और आज खड्डे जो इसके खुड्डे छोड़े थे ना इसमें गार्डर लगाने के लिए, वो बंद किए। क्या क्या ये पाइप डालने के लिए पानी की। प्रीति मोटर का कनेक्शन ना अब वॉशरूम वाले इसके साथ भी करते हैं, रूम टॉयलेट के, सॉरी बाहर वाले वॉशरूम के साथ। इसमें डायरेक्ट पानी बंद कर देंगे नलके का, नलके वाला पानी ना गर्म ठंडा होता है सर्दियों में। अगर मोटर के पानी से किसी ने नहाना हो ना तो फटाफट ये चलाया मोटर और नहा लिए। पर नलके का पानी ठीक है, लाइट ना हो कभी तो। क्या टंकी तो होती है अंदर, मम्मी वाला बाथरूम भी साथ है मोटर का। हाँ इसके रेंट भी बढ़ता है ताजे पानी वाला। कौन सा? क्यों रेंट ले रहे हैं? क्योंकि ताजा पानी तो हमेशा आएगा ही आएगा अंदर, कपड़े मतलब बाहर के पानी से तो होना चाहिए ताजे वाला। हाँ रेंट दो ना, रेंट दे। चल ठीक है, बाहर तो मोटर है ही, नलका चला के नहा लो। यहाँ पे 24 घंटे ताजा पानी चलेगा, उधर से 12 मोटर चलाने की जरूरत पड़ेगी। इधर एक ठीक है ना बाहर के बाथरूम के साथ, ये हमारा सारा देसी टच रहेगा। आप लोग बताना एक बार आईडी देना। वैसे लगता है बाहर रहना चाहिए के साथ। अच्छा है। और हमने ये वाली जगह खाली की आज, यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी थी, अब हम इसको यूज में लाएंगे। हाँ यहाँ पर क्या करें हम इस साइड में ना, मम्मी आपकी जो पेटी है ना वो रख देंगे। नहीं मम्मी इसमें ना पता है बेटी, इस साइड में ना हम लोग अपनी चारपाई खड़ी करेंगे, बहुत जगह है ना, क्योंकि चारपाई का बहुत ज्यादा वो रहता है ना, कहाँ रखें उसको क्या करें, तो यहाँ पे रख दिया करेंगे उसको। चूल्हा नहीं, चूल्हा तो उस साइड में किचन है हमारी, यहाँ पे ठीक है ना चारपाई के लिए। तो चूल्हे वाले से इसको टीन को उठा देंगे, थोड़ा थोड़ा काट के डाउन करके फिर यहाँ पे चार पे रखने के लिए बना लेंगे। ये भी इतनी ठीक है टीन है। नहीं ये आगे गेट के आगे ठीक लगती लगी। अभी टाइल वाले भैया ऊपर लगे हुए, बाकी सारे चले गए। प्रीति मेरे को फिर से भूख लगी, मैंने सब्जी फुल के रोटी बना रही, मैंने बहुत भूख लगी।
सीट निकाल सीट पहले पहले अभी अभी तो सीटें आई है इसको। अच्छा मैं कहा पानी खोलने लगे ना। थोड़ी देर बाहर बैठते हैं क्योंकि इसके बाद तो अंदर बैठना है। मम्मी के साथ बैठ के थोड़ी देर बातें करते हैं। कर रहे हो सुबह से चक्र मम्मी तो पीछे पीछे यही काम हो रहा है। आंटी जी क्या हाल है? मम्मी आंटी को दे दिए करेले दे दिए दे दिए जानी रह गई करेले आहो कोड़े आंटी करेले कोड़े आंटी करेले कोड़े कोड़े हाँ जी ठीक है जी ठीक है जी। मम्मी को ना एक अच्छी जगह मिल गई यहाँ बैठने के लिए धूप सेकने के लिए और आते जाते लोगों को देखने के लिए। मम्मी को यही चाहिए था क्योंकि चार दीवारी में तो मम्मी को लगता है कि यार जेल है ना। यहाँ बैठ के अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना यहाँ बैठ के सारा ना। और यहाँ पे लहसुन लगाओ प्याज धनिया जो मर्जी लगाओ सारे काम करो और आते जाते बातें करो और बच्चों को खेलने के लिए भी प्ले ग्राउंड अच्छा हो गया ना। मम्मी यहाँ पे जब मैरिज होगी ना तब बहुत रौनक लगेगी क्योंकि सर्दियों का टाइम है यहाँ पे धूप रहेगी और यहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है। भी बैठ के चाय पी लूंगे है ना। हाँ चाय का काम तो खराब हो गया। क्यों मीठा नहीं पीना चाय? मम्मी पी लेते फिर भी मेरे को लगता है आपने कल मैरिज में हलवा भी खाया थोड़ा सा नहीं खाया मीठा कुछ भी नहीं खाता फिर ठीक है फिर तो सही है। मैं खट्टा भी घट खाती हूं दाढ़ दुखे कर दी। आपको कैसा लगा फूफड़ जी के पास? मजा आया ना उनकी बातें सुन के कितना अच्छा लगा था। बुजुर्ग ज्यादा रह जाती है सही बात है। वो खुश हो गए कहते आज मेरा पूरा एक किलो खून भर गया है ना। कोई भी आता उनको अच्छा लगता था। हाँ बोल रहे कहते मैं कुछ दिन पहले आ जाऊंगा। मैंने कहा आप आओ और वहाँ पे रौनक मेला लगाओ पूरा फोन करूंगा मैंने जाना मैंने मानी के पास। मैंने ना यहाँ पे ये दो क्यारों में मेथे लगा दिए जो मेथे हम लोग सब्जी में डालते हैं ना वो लगाया क्योंकि हमें घर के मेथे हो जाएंगे इस बार तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे लगाया मैंने धनिया ये वाला क्यारा भी खा लिया। यहाँ पे कुछ और लगाऊंगा इस जगह पे लगाए हैं क्या लगाया है इसमें छलगम और जो ये पांच क्यारे यहाँ पे लहसुन है तो इनकी जो आड़ है ना जो बट है इसके ऊपर लगा दिया मूलियाँ। तो मूलियाँ हम लोग क्यारे में नहीं लगाएंगे ऐसे लगा दी बहुत सारी मूलियाँ ऐसे तैयार हो जाएगी ना तो फिर इस क्यारे में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह से यही काम करता रहा और साथ के साथ मिस्त्रियों को भी देखता रहा क्या चल रहा है प्लम्बर को क्या सामान चाहिए पेंटर को क्या चाहिए वो सारा काम भी देखता रहा। और ये सारी लकड़ी हमने संभाल करके रखी है ये काफ़ी सारी शादी में काम आएगी और उसके बाद भी। तो यहाँ पे लगाया है सरसों और ताजी अपनी भैंस को लेके जा रहे हैं बिंडू को ना भूख लग रही है प्रीति खाना बना रही है तो मैं इसी टाइम खाना खा लूँगा 6 बजे। स्टेयर देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे साइड में प्लस्तर हो गया और इसके ऊपर कलर होगा तो और भी अच्छी लगेगी। यहाँ पे आज मिस्त्री लगे थे ना तो उन्होंने इसको अच्छी तरह से प्लस्तर कर दिया है। पहले मेरे को ना ऐसे लग रही मैंने कहा यार इतना खर्चा भी किया इसके ऊपर ग्रेनाइट भी लगाया और टाइल भी लगाई लेकिन ये सही नहीं लग रही लेकिन अब ये देखने में अच्छी लग रही है। अब इसके ऊपर रेलिंग भी लग जाएगी काफ़ी लोग बोल रहे थे ना कि अपनी स्टेयर के ऊपर रेलिंग लगाओ तो अच्छी लगेगी तो हम सबकी डिमांड जो है एक एक करके पूरी कर रहे हैं। और जो इसके ऊपर हमने ग्रेनाइट लगाया ना ये रफ है इसकी सर्विस इसके ऊपर हम इतना पैर ना स्केट नहीं करता लेकिन कहते हैं ना कि ग्रेनाइट तो ग्रेनाइट है इस पे पैर तो स्केट थोड़ा बहुत तो करेगा बस इसका यह कि इसकी ना सफाई करनी थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन हम इसके ऊपर इतनी डस्ट वगैरह होने नहीं देंगे इसको पानी से या गीला कपड़ा झाड़ू वगैरह से ना कैसे भी करके इसको साफ कर दिया करेंगे ना। अभी ठंड हो गई है तो मैं रात को हुडी वगैरह पहन करके ही बाहर निकलता हूँ अदरवाइज मेरे को ना जब भी सर्दी आती है या सर्दी जाती है तो मेरे को घेर लेती है मेरे को फीवर होने लगता है। हुआ भी था कल परसों आज भी थोड़ा बहुत लग रहा था लेकिन मैंने डॉक्टर से मेडिसिन ली टाइमली फटाफट से मैंने अपने आप को खुद को क्योर किया ताकि मेरे को आगे चल के ज़्यादा दिक्कत ना आए। सारा काम मेरे को करना है घर का काम भी और मैरिज की तैयारियाँ भी सब कुछ मुझे करना है तो अगर मैं खुद बीमार हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसलिए मुझे बीमार नहीं होना क्योंकि अभी मैरिज की तैयारियाँ भी मेरे को करनी है। और ये मेरी जुगनी ना पूरे दिन बाहर खड़ी रहती है रात को इसको अंदर लेके आता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिन में काम चल रहा होता है तो फिर बाहर ही होती है ये। आइए वाला रूम भी मेरा पूरा हो गया है आज इसमें टाइल्स लग चुकी हैं और यहाँ पे इसकी स्कर्टिंग भी लग गई और ये वॉशरूम वाली साइड में भी टाइल जो रहती थी वो भी लगा दी मैंने इस साइड में तो पूरा रूम मेरा कम्प्लीट हो गया। अब इसमें पेंट हो गया कल से